चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं 114 टेरेस। अच्छा यही से ऊपर है। अच्छा ऊपर के शायद चार हैं, दो ये दो है एक है, ये एक ही है पूरा कंप्लीट। एक ऊपर होगा टेरेस और एक ये इधर है ना, फिर एक हुआ है हाँ। और एक है वो 126। ओके ठीक है, अगर व्यू देखना होगा तो व्यू के लिए वहाँ पे चलेंगे। नहीं ठीक है, एक एक रूम काफ़ी है। जो 126 का जो व्यू है ना हाँ हाँ ठीक है, तो पर चलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ये टेरेस रूम की तरफ। ये तो ये है इनका टॉप कैटेगरी का रूम, टेरेस रूम। बाहर एक आपको बेड मिल जाता है। अगेन इसमें भी दो सोफ़ा हैं, एक छोटा सा टेबल लगा हुआ है। एक इनमें ये खास है कि पूरा ये आपको पर्सनल बालकनी मिल जाती है। ठीक है, तो आप इसमें आराम से चिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से ये कैसे रूम दिखता है। एंड ऊपर से अगेन इसमें भी वही गार्डन व्यू है, सारे पेड़ों का आपको नज़ारा मिलेगा इधर देखने को। तो टोटल चार हैं इनके पास टेरेस रूम, एक ही है अगेन, एक यहाँ पर है, फिर एक वहाँ पर है, और एक 126 के ऊपर मुझे बता रहे हैं मुकुल भाई, जिसके जो व्यू है उसका अलग है। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं और कुछ इस तरह से आपको ये रूम मिलता है अंदर से देखने के लिए। नीचे की तरफ लाइटिंग दी गई है, थोड़ा सा एक अच्छा फील कराने की कोशिश गई है इस रूम को। और अगेन यहाँ पर एक आपको मिलता है एक्स्ट्रा बेड लगा हुआ है, एक चेयर है, देन अगेन टेबल है। सामने की तरफ इधर आपको मिलता है एक डबल बेड, अगेन दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट पे आपका लाइट है। इस रूम में भी आई थिंक लिमिटेड लाइट दी गई है, और एक इसमें ये एक इसके अंदर भी लाइट लगी हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें रूम को एक अच्छा फील देने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने की तरफ भी आपको LED मिलती है, दो वाटर बोतल हैं इधर। ठीक है, और इधर भी एक स्पेस बना हुआ है, आप यहाँ बैठ के भी अपना चिल आउट कर सकते हैं। इधर से भी आपको पूरा पेड़ों का व्यू है। वो सामने मिनी फ्रिज है ना, ठीक है ठीक है, चल हो गया। एंड ये है आपका वॉशरूम, इसमें भी सामने यही है अलमीरा है आपके लगेज वगैरह रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए। इधर भी एक आपको विंडो मिलती है, ठीक है, यहाँ से भी आपका गार्डन व्यू है। और ये है आपका वॉशरूम, ये भी अगेन वही सेटअप में है जो हमने प्रीमियम रूम देखा था इससे पहले। इसका वॉशरूम भी उसी स्टाइल में बना हुआ है ना, प्रीमियम और जो आपका ये है टेरेस, ये दोनों का रूम्स अंदर से लगभग लगभग सेम ही है ना। मतलब सेम लाइट्स भी लिमिटेड लाइट्स दी गई है ना इनको फील देने के लिए, और अच्छा कलर है रूम का तो एक अच्छा फील आएगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पर भी एक विंडो है, ठीक है। ये वाला बता रहे हो आप 126? ठीक है, अच्छा तो देखते हैं यहाँ से नज़ारे क्या दिखते हैं। इस ऐसा कुछ क्या खास है इस टेरेस रूम में। ओके तो कहाँ से सनराइज का, सनसेट का, सनराइज का, सनराइज का ही होगा ये, तो सेट तो पीछे साइड हो रहा है ना। ओके तो सनराइज का व्यू आपको सामने से मिलता है, और इसके बाहर से ये थोड़ा सा व्यू भी माउंटेन व्यू थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलता है। और दूसरा एक और प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ से आपको स्विमिंग पूल भी नज़दीक है। तो ये कौन सा बता आपने, 126 रूम नंबर 126 टेरेस कैटेगरी, ठीक है। तो दूसरा अगर टेरेस कैटेगरी का आप रूम लेना चाह रहे हैं अच्छे व्यू के साथ, जो पूल से भी थोड़ा सा नज़दीक हो, रेस्टोरेंट से भी हो, और मॉर्निंग में आपको सनराइज़ का भी व्यू मिल जाए, तो ये है रूम नंबर 126। इसमें क्या आपको दो बेड मिलेंगे? अच्छा ओके